बच्चों, आज हम प्लांट टिश्यूज का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। कल हमने सिंपल टिश्यूज पढ़े थे। सिंपल टिश्यूज में मैंने आपको बताया था, जब एक ही प्रकार की सेल्स का ग्रुप हो, समूह हो, तो उसे सिंपल टिश्यूज कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, मतलब जटिल ऊतक। जब विभिन्न प्रकार की सेल्स हो, उनका जो समूह हो और वो मिलकर एक विशिष्ट कार्य को संपादित करती हैं, तो उसे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि वेस्कुलर टिश्यूज हैं, संवहन ऊतक हैं। अब हम पढ़ेंगे पहले जाइलम। जाइलम में निम्न चार प्रकार की कोशिकाएं या सेल्स पाई जाती हैं: ट्रेकीट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। अब हम पढ़ेंगे पहले ट्रेकीट्स। ट्रेकीट्स जो हैं, ये लंबी सिलेंड्रिकल सेल्स हैं और सिरों पर पॉइंटेड होती हैं। इनकी सेल वॉल में थिकनिंग पाई जाती है, लिग्निन थिकनिंग पाई जाती है, जो कि एन्यूलर या स्पाइरल, थिकनिंग पाई जाती है। इसके अलावा स्क्लेरिफॉर्म या रेटिकुलेट थिकनिंग भी पाई जाती है, और इनमें पिट्स पाए जाते हैं। ये पिट्स सिंपल पिट्स भी हो सकते हैं और बॉर्डर्ड पिट्स भी हो सकते हैं। बॉर्डर्ड पिट्स का मतलब है सिंपल पिट्स के चारों ओर बॉर्डर प्रेजेंट होता है। अब ट्रेकीट्स के फंक्शंस, ट्रेकीट्स जो है वेसल्स के साथ मिलकर प्लांट्स की रूट से ऊपर तक पानी के संवहन का कार्य करते हैं। उसके अलावा प्लांट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रदान करते हैं। अब हम पढ़ेंगे वेसल्स। वेसल्स, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये नलिका के समान लंबी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि एक के ऊपर एक एक क्रम में लगी रहती हैं। इनकी ट्रांसवर्स वॉल पर अनेक छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र कभी कभी बीच में या लेटरल भी हो सकते हैं। बीच में जो ये छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं परफोरेशन प्लेट। और ट्रेकिट्स की भांति वेसल्स जो होती हैं, इनमें भी लिग्निन डिपोजिशन पाया जाता है और ये भी डेड होती हैं। इसके अलावा इनमें भी एन्यूलर, स्पाइरल, स्क्लेरिफॉर्म या रेटिकुलेट डिपोजिशन पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड, जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स जो है, ये स्क्लेरेनकाइमेटस तंतुनुमा संरचनाएं हैं। इसकी सेल वॉल जो है वो बहुत अधिक स्थूलित यानी थिकनिंग उनमें पाई जाती है, जिससे कि सेल ल्यूमिन जो होता है वो बहुत छोटा हो जाता है। ये जनरली नॉन सेप्टेट होती है, लेकिन कई बार सेप्टा भी प्रेजेंट होती है। इसके फंक्शनल स्ट्रेंथ प्रदान करना, और कुछ फाइबर्स जो होते हैं वो स्टार्च, ऑयल आदि का स्टोरेज भी करते हैं। अब हम लास्ट पढ़ेंगे, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये सेल्स जो होती हैं लिविंग होती हैं। इसके अलावा इनकी सेल वॉल थिन होती है, और सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। लेकिन सेकेंडरी जाइलम में इन सेल वॉल में लिग्निन भी पाया जाता है। कुछ सेल्स जो होती हैं वो वर्टिकल में लंबी भी होती हैं, जबकि कुछ जो होती हैं रेडियली लंबी होती हैं। और इसके फंक्शंस, ये मोस्टली पदार्थों का संग्रह करती हैं और कुछ हद तक वाटर ट्रांसपोर्ट यानी जल संवहन का कार्य भी करती हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्लोएम। फ्लोएम जो है, ये भी चार एलिमेंट्स से मिलकर बना है: सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब हम पहले पढ़ेंगे सीव एलिमेंट्स। सीव एलिमेंट्स में सीव सेल्स और सीव ट्यूब्स। सीव सेल्स जो हैं, ये सिंगल कोशिकाएं हैं और
ये कोशिकाएं एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती है, लंबी और सिलेंड्रिकल होती है, और ये सब मिलकर सीव ट्यूब बनाती हैं। इन सीव ट्यूब में आप ये देख रहे हैं, इनकी ट्रांसवर्स वॉल्स पर छिद्र पाए जाते हैं, और ये छिद्र एक प्लेट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं परफोरेशन प्लेट। ये परफोरेशन प्लेट जो होती है ये सिंगल भी हो सकती है, अगर सिंगल होती है तो हम उसे सिंपल कहते हैं, और अगर एक से ज़्यादा सी प्लेट्स होती हैं तो उसे कंपाउंड कहते हैं। इनका फंक्शंस, भोजन का संवहन यानी फूड मटेरियल जो प्लांट्स बनाते हैं उसको कंडक्ट करना, ऊपर तक पहुंचाना। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, वो है कंपेनियन सेल्स। ये आप देख रहे हैं कंपेनियन सेल्स, ये विशिष्ट पैरेन्काइमा सेल्स हैं जो कि इन सीव सेल से लेटरल साइड पर लगी होती हैं, और इन दोनों का प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो एक दूसरे में संपर्क में रहता है। इन सेल्स में न्यूक्लियस स्पष्ट होता है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और ये सेल्स लिविंग होती हैं। इनका फंक्शंस, ये सीव सेल्स और कंपेनियन सेल्स इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक का कार्य करती हैं। इसके अलावा प्रेशर ग्रेडियंट यानी दाब प्रवणता बनाने में भी सहायक होती हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये सेल्स लंबी व सिलेंड्रिकल या पॉलीगोनल होती हैं, जिनके सिरे पॉइंटेड या गोल होती हैं, और ये भी एक के ऊपर एक लगी होती हैं। इनका फंक्शंस मेनली स्टोरेज का है, ये स्टार्च, टेनिन, रेजिन, म्यूसिलेज, क्रिस्टल आदि का संचय करती हैं। इसके अलावा जो फूड मटेरियल है उसके लेटरल ट्रांसफर में भी सहायक होते हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्लोएम फाइबर्स। ये फ्लोएम फाइबर्स प्राइमरी व सेकेंडरी फ्लोएम में पाए जाते हैं, प्राइमरी फ्लोएम में बाहर की ओर जबकि सेकेंडरी फ्लोएम में ये अंदर की ओर पाए जाते हैं। इनके मेन फंक्शंस हैं प्लांट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करना, और उसके अलावा जो फ्लोएम फाइबर्स है जिन्हें हम बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं, इनका कॉमर्शियल स्तर पर यानी व्यावसायिक स्तर पर इनका उपयोग होना, जैसे लाइनम, जूट आदि, जिससे रस्सी वगैरह बनाई जाती है। थैंक यू।